Guys. ये हवेली कहाँ गए? ये कहाँ आ गए हम? मुझे लगा था कि इस दरवाजे से निकल के हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, पर ये तो एक नई शुरुआत लगती है। एक कैसी जगह है ये और एक कैसा रियलिटी शो है? कहाँ गए सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन? कहाँ है पूरा क्रू? क्या हो रहा है हमारे साथ? ये क्या पता ये शो भी है या सिर्फ हमें फंसाने की साजिश? इसका जवाब यहाँ से निकलने के बाद ही पता चलेगा। हम सब ठीक हैं, एक साथ हैं, यही काफी है। यहाँ कोई किसी को रास्ता नजर आ रहा है? नहीं ना, बस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। आखिर कब नजर आएगा रास्ता? जान, यहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा। आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तो चुप करके चलो। तो थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं ना, कब से चल रहे हैं? गौतम, शायद ये ठीक कह रही है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। चल, मैं तेरे साथ चलूं। नहीं, माना कि ये जंगल सुरक्षित है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो, आई मीन, जान, मैं और रोशनी अकेले हैं। आज का ठीक कह रही है, तू यहीं रुक, मैं ढूंढ के आता हूँ। गॉड, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कुछ भी नहीं खाया। मैं जाके चेक करके आती हूँ, शायद कोई फल या कुछ मिल जाए। ज़्यादा दूर मत जाना। हाँ हाँ। कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? कोई है? कोई है यहाँ? हेलो, कौन? कैसे पेड़ है यहाँ पे? यहाँ तो एक भी फल नहीं दिख रहा। भूख लग रही है। क्या खाएंगे हम? तो जरूर किसी इंसान ने बनाए होंगे, मतलब आसपास बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। सुनो भैया, अरे सुनिए, एक मिनट भैया,
सुनिए, रुकिए, भैया, भैया रुक जाइए, बीच में नहीं, रुकिए भैया प्लीज। जाऊं बाहर इतना टाइम हो गया अभी तक रोशनी वापस नहीं आई, जाके उसे ढूंढ ले के। नहीं मैं तो चल चल के थक गई हूँ। अरे ऐसे कैसे उसे छोड़ दें यहाँ पर, एक तो ना कोई रास्ता है ना कोई इंसान, जाना पड़ेगा हमें। इस जगह को देख के लगता नहीं किसी इंसान ने कभी यहाँ पैर रखा हो, जिस प्रे के यहाँ कोई जानवर नहीं। मिल गया रास्ता। विवान, हे विवान, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई मिल गया क्या? कोई मिला नहीं, पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। यस, चल चल निकलते हैं। रोशनी कहाँ है? आप हाँ वो, अरे वो तो खाने के लिए ढूंढने गई थी अकेले। हाँ मैंने उसे समझाया था ज्यादा। तूने अकेले क्यों जाने दिया यार उसको? अरे मैं क्या करूँ, अरे बोलना था ना रुकने के लिए। रोशनी 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 जी, यहाँ रास्ता मिला है उसे, सारे फ्रूट्स लेने अभी जाना था। आशका अभी उसे हमारी आवाज नहीं पहुंच रही होगी, ज्यादा दूर चली गई होगी। अब रोशनी रोशनी वापस आ जाओ। रोशनी जी किसी मुसीबत में तो नहीं होगी? शायद बाहर निकलने का रास्ता भूल गई। इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढेंगे उसे कहते? लेकिन हम उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हाँ तो यहाँ इंतजार करते हैं, आ जाएगी अपने। अगर वो तुम गई हो तो कैसे आ जाएगी अपने? ये एक जंगल है जहाँ पे खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, हमें उसे ढूंढने जाना ही होगा। बस मैं थक चुकी हूँ, मैं उसे ढूंढने यहाँ वहाँ नहीं जा रही। यहाँ रास्ता कितना लंबा है खुद नहीं पता। हम उसे यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। What is this, Gotham? जब से तुम इस शो में आए तब से तुम्हें सिर्फ उसकी चिंता लगी हुई है। उसकी गलती की सजा हम लोग क्यों भुगते? और रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो? That's not a problem. मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हें जाना है ना, जाओ। ए यार तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? आज का तुम्हें कुछ नहीं। एक मिनट, तुम तीनों एक काम करो, वो रास्ता सीधा जाता है, सीधे जाके राइट लेना, वहां पे पेड़ में कुछ निशान बने, वो तुम्हें बाहर तक ले जाएंगे। रोशनी को अकेले ढूंढूंगा। गौतम भाई रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। रोशनी जी को कुछ नहीं होगा, हाँ मुझे पूरा विश्वास है वो हमें जरूर मिल जाएगी।
रोशनी जी, रोशनी, रोशनी जी, रोशनी, रोशनी जी, रोशनी, रोशनी जी। अकेले इतने बड़े जंगल में कहाँ गई होगी? तुम लोगों ने उसे अकेले जाने क्यों दिया? रोशनी, रोशनी जी। शाहपुर मर चुका है और उसकी लाश बड़े बड़े सड़ चुकी है और उसे कोई बचाने तक नहीं आया। ये जंगल बहुत खतरनाक है गौतम भाई। रोशनी का ब्रेसलेट ये यहां कैसे गिरा होगा? लगता है वो किसी मुसीबत में। बाहर निकलने का कोई रास्ता तो मिला। आई होप उनको रोशनी तो मिल गई होगी। चलो यार यहाँ से निकलते हैं। मैंने आगे जाके राइट कहा था ना? राइट मैं यहाँ से नहीं जा रही। लेकिन यही रास्ता है। अब जाना ही पड़ेगा। वो जाके आया था ना वहाँ। आज का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चलो कुछ नहीं होगा। चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ। कम बड़े निशान ये किसके हो सकते हैं? यहाँ पे बड़े पैरों के निशान तो खत्म हो गए और ये घसीटने के निशान किसके हैं? भगवान ना करे ये घसीटने के निशान रोशनी के हो। मगर अगर ये हैं तो हमें इन्हें फॉलो करना होगा। अगर हमें रोशनी को ढूंढना है तो चल। पूरे जंगल में घूम फिर के वापस वही समंदर पे आ गए। बात समझ में आई? टापू है, आइलैंड। ये पूरा आइलैंड है। एक मुसीबत से पीछे छूटा नहीं कि दूसरी में फंस गए। ये सब छोड़ो, अभी रोशनी को ढूंढ रहे। चल तो घसीटने के निशान भी नहीं है। फिर कहाँ चली गई रोशनी जी? गायब भी नहीं हो सकती, फिर कहाँ चली गई होगी? कुछ ना कुछ तो होगा।
ये खून के निशान तो यहाँ पर आके खत्म हो गए। पानी कहीं ऐसा तो नहीं रोशनी जी? गौतम, 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 रोशनी मिली? गौतम, 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 रोशनी कहाँ है? उसका वो घड़ा मिला था मुझे जंगल में। वहाँ कुछ निशान थे जिसे जिसे फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आए और उसके बाद निशान। कैसे निशान? वो बड़े अजीब से निशान थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर के निशान होंगे। जंगली निशान? किसी जानवर के निशान क्या? लेकिन वो यानी कि जानवर ने रोशनी को पानी में, हाँ रोशनी जी भी हमें छोड़कर चली गई। रोशनी नहीं रही, रोशनी नहीं रही, वहां अंदर कोई जानवर है, अजीब अजीब चीजें। विमान हम नहीं बचने वाले ना। अजीब अजीब सी चीजें? हाँ जान, रास्ते से जब हम आ रहे थे वहां पर अजीब अजीब शक्लें बनी हुई है, अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ पर रोशनी पानी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है जैसे कोई आत्मा खींच रही है हमें। इस बार हम बड़े खतरे में, कोई नहीं बचेगा। विमान एक काम करते, सबको नाव में बिठा, मैं रस्सी खोलता। जल्दी कर, चल 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 चलो ओके कम ऑन आज का। संभाल के संभाल के संभाल के। गौतम क्या हुआ? रस्सी नहीं खुली यार, जल्दी खोलो आज का। कम ऑन, क्या हुआ? चलो ना, एक काम कर, आशिका को बैठा जल्दी। अरे आशिका, आशिका, आशिका जल्दी चलो, और बस ज्यादा वक्त नहीं है, चलो। समंदर में अजीब शक्तियां, इस जंगल में आत्माएं, हम लोग नहीं बचेंगे ना विमान, कोई बचने का रास्ता नजर नहीं आता। आशिका, आशिका सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम वहां से बच के निकल गए थे ना, यहाँ भी कुछ कुछ ना कुछ करके निकल जाएंगे। हाँ चल आ जाओ।
वो देखो शायद लालटेन है, अगर लालटेन जल रही है तो वहां पर लोग भी होंगे। चलो जल्दी चलो। भरोसा करना खतरे से खाले नहीं है, तो ध्यान से चल। हेलो, कोई है? मतलब यहाँ पे लोग ट्रेकिंग करने आए, शायद अभी तक लौटे नहीं है। एक काम करते हैं, बॉनफायर शुरू कर देते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता उनको प्रॉब्लम होगी अगर हम यहाँ रुक गए थोड़ी देर। जानवर वापस आएंगे ना, तो बॉनफायर शुरू कर देते हैं। टेंट में खाना तो नहीं था, शुक्र है माचिस तो छोड़ के है। आज रात यहीं रुक जाते हैं, वो जो भी होंगे उन्हें हम समझा देंगे, उन्हें बता देंगे हमारे साथ क्या क्या हुआ है। आई एम श्योर दे वोंट माइंड। और यहाँ बॉनफायर भी है, जानवर नहीं आएंगे। हमने तो पूरी कोशिश की थी ना, अभी उस पानी में आत्मा थी, हम नहीं लड़ पाए उसके साथ। रोशनी और जान दोनों को निगल गई है, अब हम करते तो क्या करते? इसमें हमारी क्या गलती है? हम अपनी लालच की वजह से फंसे, 5 करोड़ रुपए की लालच की वजह से। अगर मुझे 1% भी हिंट होता इस पैसे की वजह से हमारी ये हालत होगी तो। मैंने कभी भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं किया, और आज जब पहली बार अपनी आंखों के सामने समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। कोई आ रहा है हमारी तरफ, ये वो तो नहीं।